गुड मॉर्निंग। आज मेरे किचन में सुबह सुबह आलू के पराठे बन रहे टिफ़िन के लिए। इसे जल्दी से बनाने के लिए मैंने क्या किया, आलू को बॉईल करके मैश कर लिया। इसके बाद कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल को डाला, उसे अच्छे से गर्म होने दिया और प्याज काट के उसमें फ्राई कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा अदरक को भी कद्दूकस में कस के हल्का सा डाल दिया है। अदरक का फ्लेवर आलू के पराठे में बहुत अच्छा लगता है। इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक चलाते रहे। इसके बाद थोड़ा मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद जो हमने आलू को मैश करके रखा है उसको डाल देना है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों। मैंने ये तरीका इसलिए दिखाया क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में मैंने शॉर्टकट तरीके से बनाया। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है किसी भी पराठे में, स्टफ पराठे में। इसके बाद भुने जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये होममेड है। ये कसूरी मेथी, बस हमारा आलू का स्टफ रेडी है। अब जल्दी से पराठे बनाते हैं। आटे में मैंने एक चम्मच बेसन और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और नमक दे के मिक्स किया था। अब थोड़ा सा रोटी के साइज़ का हमें बेल लेना है। मैं मेरे बच्चे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, इसलिए उसे चीज़ बहुत पसंद है। बट दोस्तों, चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को या आपको चीज़ पसंद है तो आप डालें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। मैंने स्लाइस चीज़ का यूज़ किया है, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से आलू को डाल के ठीक से रोल ओवर करें, एकदम अच्छे से रोल करें। मैंने आलू का स्टफ़ थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, तो फिर बेलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कसूरी मेथी के जगह पे ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आपको और भी शॉर्टकट में बनाना है तो आप आलू के स्टफ़ में, उसे भूनना नहीं होगा, जस्ट कच्चा प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता काट के भी दे सकते हैं, वो भी फ्लेवर अच्छा आता है और जल्द से जल्द बन जाता है। एक बात मैं बताना भूल गई, ये स्टफ़ को ना, थोड़ा स्टफ़ मेरा बच गया था, उसको मैंने ब्रेड में भी डाल के बनाया, बहुत अच्छा सैंडविच बना था, बहुत मस्त। आप चाहे तो इस स्टफ़ में चीज़ का यूज़ करके सैंडविच बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, वो भी अमेजिंग सा लगेगा, बहुत टेस्टी। फ़िलहाल पराठे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक साइड पहले थोड़ा जल्दी पलट देंगे, मैंने इसे बटर में सेका है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल,
या फिर ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करके उसे सेक सकते हैं। दोनों साइड पे अच्छे से बटर लगा के अच्छे से प्रेस कर करके हमें सेक देना है। और ये हमारा यम्मी आलू पराठा रेडी। आ गया ना मुँह में पानी।